अस्सलाम वालेकुम, लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज हम फेसबुक लीड जनरेशन पढ़ेंगे और उसको डेथ के साथ सीखना शुरू करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉन्सर ऐड जब लगाते हैं तो अगर लीड्स जाते हैं, लीड्स क्या चीज़ होती है। जैसे ये प्रॉपर्टी का ऐड है, जब आप इस ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है। ये डाटा फिर आपके पास एक फॉर्म के एक्सेल फॉर्म की सूरत में आ जाता है। और इसे जब आप फिल करते हैं, या मैं कुछ भी डाल के फिल करता हूँ, तो आप इनकी वेबसाइट पे सबमिट करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। तो उनके आपके पास फिर एक जो ऐड चला रहा होता है उसके बाद एक लीड आ जाती है, यानी इस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है जिस बंदे ने इसको फिल किया होता है। तो आप उसे कॉल बैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी तरफ, गूगल में जाते हैं। गूगल में गूगल फेसबुक एड मैनेजर, और यहाँ से हम एड मैनेजर पे जाते हैं। और यहाँ से हमने करना है गो टू एड मैनेजर। और ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, इसी के ऊपर हम एक कंपेन क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ से हमने एक अपने अकाउंट पे क्लिक किया और यहाँ से हमने क्रिएट कम्पेन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, चूज ए कम्पेन ऑब्जेक्ट, आपको किस तरह की कम्पेन चलानी है। तो मैं यहाँ से ट्रैफिक या किसी और पे नहीं जाऊँगा, मैं सीधा यहाँ से लीड जनरेशन पे चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ आप अपनी कम्पेन को नाम सेट कर सकते हैं, अगर आप नाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। मसलन सेल नाउ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, लीड जनरेशन है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा अभी, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास एक बिज़नेस पेज होना चाहिए जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं सपोज़ यहाँ से कोई भी इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी होगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे कैटलॉग पे नहीं जाना, मुझे अपना बजट सिलेक्ट करना है कि मैं कितना बजट लगा सकता हूँ। मसलन मैं एक दिन का 1500 रुपया बजट लगा सकता हूँ, स्टार्टिंग डेट मेरी ये है और टाइमिंग मेरे पास ये आ रही है। एंड डेट भी मैं लगा सकता हूँ, ऑप्शनल चीज़ है कि आप किस तरीके को ये ऐड बंद करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा इसके ऊपर। अगर आपने पहले कुछ ऐड चलाया है तो उसकी सेव ऑडियंस अगर आपके पास है तो आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नई ऑडियंस भी बना सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर चलाऊँगा, ठीक है। और इस्लामाबाद में भी यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वो ये हैं कि जब हम लोकेशन ऐड करते हैं तो हमारे पास पीपल इन लीव और दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं, वो आप यहाँ से दोबारा हम करते हैं। ये आपके पीपल लीव इन द लोकेशन, पीपल रिसेंटली जो आए हैं, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली, वो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस्लामाबाद कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं जो एज करूँगा वो तकरीबन 30 से 50 के दरमियान होगी। तो यहाँ देखिएगा मेरा ये जो सिस्टम है ये चेंज होना शुरू हो गया। मेरे पास अभी रीच आ रहे हैं 3200 और 9400, 6 से 20 लीड्स जनरेट हो सकती हैं 1500 रुपये के अगेंस्ट। डिटेल टारगेटेड में ये है कि आप स्पेसिफिक, ठीक है, रियल एस्टेट, ठीक है, से रिलेटेड लोगों को आप ऐड कर सकते हैं, यार, ठीक है, रियल प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, मुख्तलिफ आपके पास है।
तो यहाँ उसके मुताबिक ये देखें अब 13 हो गई हैं। अब यहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट है, ऑटो का मतलब ऑटो है ठीक है, मैनुअल का मतलब ये है कि आप देखें फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलेगा, इसमें किस किस जगह पे ये चलेगा, कौन सी जगह आप क्लिक करते हैं कौन सी नहीं, जो नहीं चाहते आप वो अनक्लिक करते जाएं ठीक है। सर्च है, मैसेंजर है, आर्टिकल्स हैं, ऐप्स हैं, साइट्स हैं, इन सब पे आपका एक एड ये शो होगा और किस तरह होगा ये यहाँ से आपको एग्जांपल्स भी नज़र आती रहेंगी। इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो कॉस्ट कंट्रोल का है कि आप स्पेसिफिक दे सकते हैं कि मुझे इससे ऊपर लीड पैसों की ना पड़े ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑप्शनल चीज़ है ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी है, अगर आप जैसे अपने ऐड लगाया तो ठीक है, ऊपर नीचे आपका ऐड हो वॉल्यूम्स के हिसाब से, तो ये चीज़ आपने करनी है ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हमारा पेज है जो हमने यूज़ स्किल का सिलेक्ट किया हुआ था। अब हम यहाँ से ये पिक्चर चेंज करते हैं, ऑलरेडी लगी हुई है तो ठीक है, आप वीडियो या इमेज कोई भी लगा सकते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लगाऊंगा, मसलन मुझे ये एक हाउस है इसको सेल करना है सपोज, तो ये मेरे पास ये इस तरह आएगा फॉर सेल, या आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अर्जेंट बस ठीक है, या आप कॉल नो का ऑप्शन भी दे सकते हैं ठीक है। अर्जेंट फॉर सेल, और यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है ठीक है, मसलन 5 ईयर इंस्टॉलमेंट, ये आपका ऐड डिज़ाइन हो रहा है ठीक है। यहाँ डिस्प्ले लिंक में दे सकते हैं कि आपने जिस वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाना है पेज पे हो, तो मैं इस पे करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ठीक है। ये फिलहाल से डिस्प्ले लिंक है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक क्या है डिस्प्ले में ठीक है, और साइन अप नो आपने नहीं करना, आपने बुक नो कर देना है ठीक है। और यहाँ से हम एक क्रिएट फॉर्म करेंगे, ये एक लीड फॉर लीड्स के लिए होता है ठीक है, ये अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास ठीक है। जिस तरह यहाँ मैंने आपको दिखाया था ये चीज़ ठीक है, और किसी प्रॉपर्टी वाले का ये मैं आपको zameen.com का दिखा देता हूँ, या आप ऊपर सारा लिखेंगे इसके बारे में ठीक है, क्यूरी फॉर्म ठीक है। मोर वॉल्यूम का मतलब हायर का मतलब क्या, बाकी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अगले बंदे से कंफर्म करना चाहते हैं ठीक है, यहाँ आप इसका कोई लगा सकते हैं बैकग्राउंड्स वगैरह भी ठीक है, हेडलाइंस यहाँ आपने देनी है ठीक है। हाउस फॉर सेल, यहाँ आप इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं ठीक है, जैसे यहाँ पे डली हुई है कि ये कहाँ पे है, इसमें कितने वो है मरले का मकान है समथिंग, जो भी है आपका मेन चीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रहा है ये वाला ठीक है, कि आपने क्या क्या डालना है, मैंने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, या मैं फ़ोन नंबर से डालना चाहता हूँ यहाँ से फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सिटी डालना चाहता हूँ कि आप अगला बंदा किस सिटी से है तो सिटी भी डाला जा सकता है, ये देखें आप जितना बड़ा फॉर्म करना चाहें कर सकते हैं, मैन्युअली भी कैटेगरी ऐड करना चाहें तो आप उसको कस्टम भी ऑप्शन मौजूद होता है यहाँ पे, नेशनल आइडेंटिटी वगैरह। उसके बाद हमने देखना ये है कि हमें यहाँ पे ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज मांगेगा, वो तो जो आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उसका पेज लाजमी दें ठीक है। और यहाँ से अभी वो क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शंस, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है इसके बारे में, ये
नो। यहाँ आपने इसको लेके जाना है कि ये आपका लैंडिंग पेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपका हाउस लगा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ आपने इसको बंदे को लैंड करवाना है, तो वो पेज आप यहाँ पे देंगे। जिस तरह इनका ये पेज आया था, यही पेज फॉर एग्जांपल मैं ग्लोरिया के नाम से ये वाला देना चाहूँगा, ये वाला, तो मैं इसी को दे दूँगा। ये उससे रिलेटेड होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैं इसको पब्लिश करूँगा, तो ये आपका ऐड आ चुका है, ठीक है। अब ये पब्लिश नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि इसमें पेमेंट का इशू है, ठीक है। तो इस वजह से ये एरर दे रहा है, ये वेरीफाइंग, ठीक है। चेंजेस ये आपका ऐड है। इस तरीके से हम एक लीड जनरेट करते हैं, इस तरीके से हम एज सिलेक्शंस आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है जो आपकी उससे रिलेटेड होंगी, ताकि इस तरह आप एक आप डिज़ाइन ऐड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखें, इस तरीके से आप एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। अब कोई लीड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।